हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अब बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं डाले थे, क्योंकि एक पर्सनल भी रीज़न था, कॉलेज भी काम थे और भी कुछ ज़्यादा वर्क था, इसलिए कुछ वीडियो नहीं डाले। अभी ये वीडियो की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो दोस्त है ना, उन्होंने मैसेज करके बताया कि मराठी समझ में नहीं आ रहे, वो जो हिंदी मतलब बिहार से कोई मतलब दूर से है तो उनको समझ में नहीं आ रहे। तो दोनों लैंग्वेज मिक्स करके, मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिक्स करेंगे अभी हम बात करेंगे। तो आज का ब्लॉग स्पेशल होने जा रहा है, हम और हमारे दोस्त जा रहे हैं हम मूवी देखने के लिए, क्योंकि आज मतलब फ्री हो गए पूरा का पूरा। तो अभी मतलब इस दिन से आगे मतलब जो दिन आएंगे ना, वो पूरे वीडियो डालूंगा। तो चलो जाते हैं, क्योंकि बस आ रही है, बस से जा रहे हैं, कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं तो बस से जा रहे। चलो मिलते हैं। बंदे देख रहे ना, सब मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। एक तो आदमी तो पूरा सामान लेके मूवी देखने जा रहा है। तो सब दोस्त लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस यहाँ से आने वाली है और यहाँ पे जाने वाली है। तो हम यहाँ से बस आएगी, वहाँ से जाएंगे, बस से जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो नहीं है। सरप्राइज, गाड़ी कब लाएगा तू? गाड़ी अभी इंटर्नशिप में। और ये तू कब लाएगा रे? देखेंगे थर्ड फोर्थ। ये अपना पूरा का पूरा बोरी बिस्तर लेके जा रहे हैं। ऐसी साइकिल तो लेके आने का, ऐसी साइकिल तो लेके आएंगे अभी इस साल तो। गोविंद तू कब लेके आएगा? मैं अब गाड़ी लाने वाला हूँ। बस हमारी आ रही है, हमारे पीछे है, तो सब लोग दोस्त लोग जा रहे हैं। चलो चलते हैं अभी बस से। तो बस लेके आ रहा है, वो बस में ही बैठा है, तो रुकाएगा हमारी बस। तो देखते हैं, इब्राहिम नाम है उसका, तो बस रुकाएगा ही वो। दापोली खेड़ की बस आ गई, तो चलते हैं अभी। हेचत जाएगा दी, बहुत देर हो गए, लेकिन महानगर पालिका की जो बस रहती ना, वो ज़्यादा भागती नहीं ना, इसलिए बहुत देर रह रहा है। अभी तो इतना समय हुआ, लेकिन हम रास्ते में ही है। तो चलो जाते हैं, धीरे 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 करके जा रहे हैं। रोड में कुछ तो दुकान भी कर लगे हुए है। अरे कहा दोस्तों, कोंकण की एक जो खास बात है ना, वो ये है कि वो सर्दी का मौसम हो या उनाया का मौसम हो, दोनों भी मौसम में हरियाली हरियाली रहती है, कभी भी सूखा नहीं रहता। इसलिए कोंकण जो बोलते हैं ना, निसर्ग रम्य कोंकण है, वैसे टाइप का कोंकण है, इसलिए बहुत मजा आता है कोंकण में। तो आप भी कोंकण में विजिट कीजिए, बहुत मतलब बहुत आनंद मजा आता है। बहुत देर के बाद बस, अभी तो हम बस से उतरे हैं और जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। मतलब अभी मैं पहले बार जा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी गया ही नहीं, और कैसा रहता है वो भी मालूम। तो दोस्त जा रहे हैं तो चलो, छुट्टी भी थी, कुछ काम भी नहीं था, इसलिए आज जा रहे हैं। देखते हैं कैसा मूवी है और आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत चलो शहर है यहाँ पे, मतलब जो दुकान है, एसी सीमेंट है, जो आपको घर बनवाना होगा क्या होगा तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो ये अंडा भुर्जी की गाड़ी लगी है, ये भुर्जी वाला कहाँ जा रहा है अपनी गाड़ी लेके। तो अभी ये लगता है सामने ही, देखो हाँ सामने तो पिक्चर लगा है, यहाँ पे बॉक्स ऑफिस है, और हम उधर जाएंगे और टिकट निकलाएंगे। पहले मिलता है क्या वो भी नहीं मालूम। अब देखो, पठान देखने के लिए सब लोग आ गए, एक तो पूरा बोरी बिस्तर लेके आ गए हैं। तो देखते हैं पठान मूवी अभी कैसी लगती है, शो अभी तक शुरू नहीं हुआ, टिकट देखते हैं टिकट मिलता है या नहीं मिलता। तो का मतलब दुकान रहता है, इधर बॉक्स ऑफिस लिखा है, गोल्ड क्लास बालकनी में 150 रुपये रहता है, और सिल्वर क्लास में 120 रुपये रहता है। तो अभी तक खुला नहीं, बंदों की बैठ के देखेंगे, बंदों की क्या क्या बोलते हो, उत्साह देख रहे हो। 2 घंटे पहले आ चुके हैं, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। लेकिन बंदे मूवी देखने के लिए जल्दी आ गए, क्योंकि सब मतलब फ्री है इसलिए आ गए, नहीं तो चली रहती तो नहीं आते। सिटी प्राइड है, जाके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो देख सकते हैं अंदर मैनेजर का ऑफिस है, कुछ स्नैक्स है, भुर्जी, वड़ा पाव, अंडा पाव, ब्रेड, सब कुछ है। और हमारे राजी,
कैंटीन है, देख सकते हैं। पॉपकॉर्न 50 रुपये, चीज़ पॉपकॉर्न 60 रुपये। नहीं कुछ नहीं खाएंगे भाई, सिर्फ हम मूवी देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आदि पुरुष, अभी आदि पुरुष का भी टीजर आने वाला, मतलब मूवी आने वाला है, वो 16 जून को आने वाला है। वो बहुत दिन है इसमें तो भाई, इस तरीका मतलब अंदर का माहौल रहता है। जो बाहर देखा वो बॉक्स ऑफिस है, मतलब टिकट निकालते और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, और थिएटर कहाँ पे तो होगा देखेंगे, जाके देखेंगे कहाँ पे। पठान देखेंगे हम, पठान देखो भाई कैसा एक्साइटमेंट हो रहा है, सेल्फी ले रहा है पठान के साथ। अभी मतलब मूवी शुरू होने के लिए 15 मिनट बाकी है, अभी टिकट मिल गए हमको, मतलब तो 6 लोग आ गए हैं, बैठे हैं, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है। 15 मिनट में शो शुरू होने वाला है, तो जाएंगे 15 मिनट में देखेंगे कैसा है शो। चूँकि ये शो देखने के लिए अंदर जा रहे हैं हम, 3 बजे का शो है। तो यहाँ से फ्रेश होके जाएंगे, वरना पिक्चर देखते देखते ही बाहर आना पड़ेगा। 12 मिनट में हमारा शो शुरू होने वाला है, हमारा मतलब मूवी शुरू होने वाली है। तो अभी हम पहले से जा रहे हैं, देखते अंदर का माहौल कैसा रहता है। अभी हम गोल्डन क्लास में है, तो चलो देखते हैं अंदर। तो अभी भाई साहब ये ऐसा है, तो इसी टाइप का है, तो ये आपली सीट इथेच आहेत ना रे। तो यहाँ पे मूवी लगने वाला है, सब लोग बैठे हैं, मतलब अभी बुकिंग हो चुके है काफ़ी, मतलब 3 बजे का शो है और काफ़ी कुछ सीट खाली है, लेकिन 3 बजे तक सब लोग आ जाएंगे। बैठे हैं, 3 बजे का शो है, कोई नाक चाट रहा है, नहीं कोई दांत चाट रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 3 बजे तक है, टाइम पास कुछ तो कुछ कर रहे हैं। गोविंद क्या कर रहा है रे, ऐसा नहीं रे, क्या कर रहा है तू, मोबाइल क्या देख रहा है मोबाइल में। तो दोस्तों हमारी मूवी शुरू हो चुकी है और अब भी पहला टीजर शुरू हो चुका है, मतलब जन कादर भाई देखिए, जन कादर खैरियत, अरे नहीं खैर चाहिए, क्या करना है, हिंदुस्तान को घुटनों पर लाना है। सोच लीजिए जनरल, गोली अगर छूट गई तो बंदूक में वापस नहीं जाएगी, सोचना तुम्हें कर पाओगे, वक्त लगेगा। आलेला म्हणजे मध्यंतर इंटरवल चालू झालाय, सगळेजण खायला तुळून पडलेले आहेत, खातेत कोणी नाश्ता पॉपकॉर्न, बघू आम्ही आता काहीतरी घेतो, वडापाव पॉपकॉर्न वगैरे काहीतरी। 150 रुपयाचं तिकीट घेतलेलं आहे आणि 10,000 रुपयाचे 2 कुरकुरे घेतलेले आहेत, काय करणार आता, 150 रुपये तिकीटाला घालवले आणि 10 रुपयाचे तिकीट हे घेतले, बघू चालू होतोय परत पिक्चर। तो टाइम इंटरवल हो गया आता, तो ये देखो ये पॉपकॉर्न खा रहे 10 रुपये, किती रुपयाचे घेऊन आला रे, हा अरे खा, नाही कोणा खाणार तुझं, ते पठाण नाही येऊन खाणार तुझा, खा एवढ्या हळू फास्ट खाऊ नको रे, हळूहळू खा। हा तू इसका हकदार नाही है जन। तर बऱ्याच म्हणजे एवढा शो म्हणजे भारी होता पिक्चर, त्याच्यामध्ये पिक्चरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्विस्ट दाखवलेले पूर्ण, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे आहे ना ते आर्टिफिशियली परत बायोलॉजिकली फिजिकली केमिकली असे एकदम मिळून सर्व मिळून असे पिक्चर जे शूटिंग केलेले आहे, इसलिए वो पिक्चर बहुत अच्छा लग रहा है आता। तो आप भी अगर देखा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी चलते कुछ तो वड़ापाव बिड़ापाव खाते और जाते, क्योंकि पैसा तो गया, अभी जाते खाते कुछ तो वड़ा पाव और जाते है। तो आप भी देख लो पिक्चर, बाय बाय। चेतन भाई तेरे को कैसा लगा मूवी, बोल क्या क्या देखा वो सुख में तूने। गोविंद भाई कैसा था मूवी पठान, एक नंबर यार, क्या बोल रहा, क्या क्या देखा, कुछ तो रिव्यू दे उसके बारे में, बहुत अच्छा पिक्चर है, आप देखो जाके। परज भाई पिक्चर कैसा लगा तेरे को, अच्छा ही लगा, देख के आए तो क्या क्या उसमें ट्विस्ट है वो तो बता, जो आने वाला है जाके देखिए तो आपको पता चलेगा, ये वो आप जाके देखेंगे तो मालूम होगा ना, स्पॉइल नहीं कर रहे हम। हाँ क्या विनीत भाई तेरे को एक नंबर पिक्चर है, धन्यवाद। तो आओ देखने के लिए।
अभी पिक्चर खत्म हो गया, अभी 10 रुपए का वड़ा पाव खाएगा और घर जाएगा, कुछ नहीं खाएगा और 150 रुपए खर्च करके आया है। तो भाई क्या खाएगा भाई, वड़ा पाव? नहीं अभी घर पे जा, घर पे जाके खाएंगे, वड़ा पाव भी नहीं खाएंगे, 10 रुपए भी नहीं खर्च करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम रूम पे पहुंच गया हो, मूवी भी अच्छा था, दोस्तों के साथ मजे भी। क्या है ना, अगर मतलब थिएटर में जाना भी वो भी गलत बात नहीं होती, क्योंकि मतलब मैंने तो आज पहली बार गया था इसलिए मेरे तो जो डोले थे ना वो गोल गोल घूम रहे थे, इसलिए मतलब एक एंजॉय मजा आया था। हर रोज नहीं जाएंगे, सिर्फ एक बात याद रखना, हर रोज नहीं जाने का, सिर्फ जब मन करेगा, अच्छा मतलब एक टेंशन फ्री रहता है ना तब भी जाने का, मतलब अच्छा लगता है इसलिए जाने का, बाकी एडिक्शन लगाने के लिए नहीं जाने का। नहीं तो हर रोज जाके सिनेमा भी देखेगा, ऐसा नहीं। तो आप भी एंजॉय करो, मजे करो, मस्त रहो, अपना ख्याल रखो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय। सब्सक्राइब करो।